सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं बहुत दिनों से इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का सोच रहा था, पर हमारा गेमिंग चैनल है और इस पर एनिमे के ऊपर वीडियो बनाना अच्छा रहेगा या नहीं पता नहीं चल रहा था, इसलिए मैं रुका था। पर मैंने बाद में यूट्यूब से ढूंढा तो देखा है बहुत सारे गेमर ने भी एनिमे के ऊपर अपना वीडियो बनाया है। तो आज हम भी आ चुके हैं, अपना तो नहीं, सिर्फ मेरा, क्योंकि मेरे बाकी दोस्त देखते नहीं हैं एनिमे। तो खैर छोड़ो, मैंने जितने भी एनिमे देखे हैं उसमें से टॉप 10 का लिस्ट जो आपको मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ पर तो जो कार्टून आते हैं आपको पता ही है, तो उससे अच्छा है कि आप टाइम पास के लिए ये सभी देख लें। और टेंशन मत लीजिए, माइनक्राफ्ट का भी वीडियो आएगा ही, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया है, पर अभी ज़्यादा माइनक्राफ्ट खेल खेल के बोर लग रहा है, इसलिए थोड़ी देर के लिए उसको पॉज करेंगे। कुछ और भी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाना चाहता हूँ, अगर आप लोग देखना चाहते हैं ऐसे ही कुछ और भी अलग टॉपिक्स तो कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियो में कुछ अगर गलत लगता है या उसको इम्प्रूव आप करना चाहेंगे तो हमें बोल सकते हैं, हम उसे भी इम्प्रूव करेंगे। और इस महीने के एंड तक प्लीज़ 500 सब्सक्राइबर्स करा दीजिए, क्योंकि 500 सब्सक्राइबर्स में हमारा पहला Q&A वीडियो आने वाला है। तो अभी बिना वक्त गवाए चलिए इंट्रो को शुरू करते हैं, और बहुत मेहनत किया है इस इंट्रो को बनाने के लिए। तो मैंने डेथ नोट देख चुका है, क्लासर फ्रॉम द एलाइड, टोनिकावा कैन टेक मी ओवर मून, और योका इरेज, माय हीरो एकेडमिया, नारुतो, अटैक ऑन टाइटन, रेंट अ गर्लफ्रेंड, डीमन स्लेयर, मासामुने कुन, रिवेंज, आउच एंड कैंट स्टडी। और मैंने एनिमेटेड मूवीज़ भी बहुत सारे देखे हैं, जैसे कि पोकेमॉन हो गए, ड्रैगन बॉल जी का हो गया, वो सब तो हमें बिना पते मैंने देख लिया था। बाद में जब पता चला एनिमे होता है तो उसके बाद मैंने नारुतो के बहुत सारे मूवीज़ देखे हैं, माय हीरो एकेडमिया के भी देखे हैं, फिर तमाकाओ लव स्टोरी देखा है, योर नेम देखा है, द साइलेंट वॉइस देखा है, और आई वांट टू इंटर पेन टोक्यो घोल, टोक्यो घाउल, जो भी आप प्रोनाउंस कर सकते हो वो कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पर कि इंसान भी रहते हैं और घोल भी रहते हैं। घोल मतलब वो लोग जो कि इंसानों को मारकर खाते हैं। तो हमारा हीरो भी कुछ वैसा ही एक इंसान ही होता है, पर बाद में वो घोल में बदल जाता है। वो आपको एनिमे देखने पर ही अच्छा लगेगा। मैं रिकमेंड करूँगा इसको, इसका सीज़न 1 ही देखें, क्योंकि सीज़न 2, 3, 4 जो आया है वो इतना भी खास अच्छा नहीं बना, और सभी उसके ऊपर गुस्सा है। सीज़न 1 का फाइटिंग सीन बहुत कम है, बस आखिर में थोड़ा बहुत है, पर फिर भी वो इतना अच्छा बना है, पर बाकी के सारे सीज़न में बहुत बेकार बना दिया गया है इसको। तो जो 9th नंबर का एनिमे आता है वो है रेंट ए गर्लफ्रेंड। ये एक रोमांटिक और कॉमेडी एनिमे है, और इसका सिर्फ सीज़न 1 ही आया, सीज़न 2 इस साल या अगले साल आने ही वाला है। इसका टोटल 12 एपिसोड है, क्योंकि सारे हमारे एनिमेस में एक सीज़न में 12 एपिसोड्स ही होते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार एनिमे है, और इसमें आपको बहुत सारे ये भी देखने को मिल सकते हैं। तो जिन लोगों को कॉमेडी एनिमे देखना पसंद है तो ये देख सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ स्टोरी में हमें सीखने को मिलने जैसा कुछ तो नहीं है, बस टाइम पास के लिए, मज़े के लिए ये वाला एनिमे है। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा ये वाला एनिमे देखने के लिए। तो 8th नंबर में जो एनिमे आता है उसका नाम है इरेज्ड। ये एक साइंस फिक्शन एनिमे है, और इसमें टाइम से रिलेटेड हमें बहुत सारे मज़ेदार किस्से दिखाते हैं। इसमें जो हीरो होता है उसके पास वो एबिलिटी होता है कि वो कभी भी कुछ भी अगर गलत होने वाला होता है तो वो 5-6 सेकंड आगे चला जाता है, और वो गलती क्या होने वाला है, एक्सीडेंट या ऐसा कुछ देख लेता है, और वो वापस नॉर्मल जब अपने प्रेजेंट में आता है तो वो उसको ठीक कर लेता है। तो वैसे ही एक बार उसके माँ का मर्डर हो जाता है, और उसका केस उसी के ऊपर आ जाता है। तो वो अपने माँ को बचाने के लिए और उस केस को हटाने के लिए उसको पता चलता है कि उसके बचपन के एक दोस्त के मर्डर से रिलेटेड होता है। तो वो अपने माँ को बचाने के लिए वो कैसे उसको वापस पास्ट में जाकर ठीक करता है वो देखिएगा, आपको ये एनिमे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो 7th नंबर में जो एनिमे अपना जगह बनाते हैं उसका नाम है टोनिकावा कैन टेक मी ओवर द मून फॉर मी। उसका नाम ही इतना बड़ा है भाई। तो ये एक अलग तरह का लव स्टोरी है, जिसमें कि हम हमेशा देखते हैं कि लव स्टोरी में क्या होता है, आखिर में हीरो हीरोइन की शादी होती है और हैप्पी एंडिंग होती है। पर इसमें कुछ अलग ही होता है। हीरो एक टॉपर होता है जो कि अपने काम पूरा करके घर लौटने वाला होता है कि उसका कहानी एकदम बदल जाता है। वो रास्ते में एक सुंदर सी लड़की को देखता है, और उसको देखते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और वो लड़की उसे बचा देती है, और वो तभी मौका ना छोड़ के उसे प्रपोज करता है। पर वो बोलती है कि मुझसे शादी करोगे तभी मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी, तो वो वहीं पर शादी कर लेता है। और पूरा एनिमे देख के ही आपको अच्छा असली मजा आने वाला है, इसलिए मैं आपको स्पॉइल नहीं करूँगा। और
दोस्तों नंबर 6 में आता है क्लासरूम ऑफ द एलाइट्स। नाम से ही पता चलता है कि इसमें सारे जो भी स्टूडेंट्स होने वाले हैं वो बहुत ही चालाक होने वाले हैं। और इसमें क्या होता है कि एक क्लास होता है जो कि पहले से ही पढ़ता है तो वो टॉपर में है और वो कैसे भी करके हर बार फर्स्ट आ जाते हैं। और ये जो नया बैच आया है उनको जानबूझ के टॉर्चर किया जाता है, पर फिर भी कैसे अपना हीरो अपना दिमाग लगाता है पर सबके सामने नहीं आता है। वो हमेशा प्लान देता है और पीछे आराम से बैठकर क्रेडिट किसी और का देता है, वो खुद अपने ऊपर नहीं लेता है। इसका मैंने सिर्फ सीज़न 1 देखा है, पता नहीं इसका सीज़न 2 आया भी है नहीं, पर सीज़न 1 भी इसका बहुत ही अच्छा है, आप देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही एनिमेस मैं बहुत देखता हूँ जो कि ऐसे मिस्ट्री से बने होते हैं। योका भी इसी जैसा ही है, पर मैंने उसको अच्छे से देखा नहीं था। उसके समय मैं नरूटो भी देख रहा था, बहुत सारे एनिमे एक साथ देख रहा था, इसलिए उसको समझ नहीं पाया। इसको एक और बार देखूँगा उसके बाद ही, नहीं तो मैं वो भी हम मेरे टॉप 10 के लिस्ट में आता ज़रूर। तो अभी हम अपने टॉप 5 के लिस्ट में आ चुके हैं। तो 5th नंबर में जो एनिमे आता है उसका नाम है माई हीरो एकेडेमिया। लगभग सभी ने इसका नाम अभी सुन ही लिया है क्योंकि अभी आते ही बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है और बहुत सारे लोगों ने इसको देख भी चुका है। इसका सीज़न 4 आ चुके हैं और मूवीज़ भी आ चुके हैं और सीज़न 5 भी जल्द ही आने वाला है। इसमें सारे लोगों के पास स्पार्क होता है, यानी कुछ पावर स्पेशल एबिलिटीज़। तो फिर हीरोज़ कुछ अच्छे लोग हीरोज़ बनते हैं और कुछ लोग विलन्स। और इसमें जो मेन हीरो है हमारा मिदोरी और डेकू भी बोल सकते हैं, उसके पास स्पार्क ही नहीं है, यानी वो हीरो तो बनना चाहता है पर उसके पास पावर नहीं है। पर बाद में कैसे उसको ऑल माइट अपना पावर देता है और वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो बनता है, या उसका पूरा एनिमे देख के ही समझ सकते हैं। तो जो एनिमे अपना नंबर 4 में आता है वो है अटैक ऑन टाइटन। ये सुन के बहुत सारे एनिमे फैन मुझ पर गुस्सा होने वाले हैं, पर मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने जो भी एनिमे देखा है उसके में से मुझे ये 4th नंबर में अच्छा लगता है। और इसे भी मैं रैंकिंग वाइज नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे ही बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे भी अच्छे से नहीं पता कि मैं इसको नंबर 4 में रखना चाहिए और भी ऊपर। मैंने इसको जल्दबाजी में देखा है इसलिए मुझे थोड़ा सा कम लगा, इस जो भी इससे आगे हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे इसलिए ही रखा हूँ। तो इसमें बहुत सारे जाइंट जैसे लोग होते हैं जो कि टाइटन होते हैं, जो कि इंसानों को मारना चाहते हैं और उनको ही खाते हैं। और हीरोज़ जो होते हैं जो कि विलेज बना के अंदर रहते हैं और वो बहुत सारे वॉल्स होते हैं ताकि टाइटन अंदर ना आ सके। और वो हम बाद बीच में एक कोई भी टाइटन नहीं आ पाता था, अचानक से एक बार एक टाइटन अंदर घुस जाता है और बहुत सारे लोगों को मार लेता है। ऐसे ही धीरे धीरे स्टोरी आगे बढ़ता है और पता चलता है कि बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि टाइटन शिफ्टर्स होते हैं। वो सब चीज़ें मैं आपको बताने नहीं चाहता क्योंकि ये एनिमे अभी भी चल रहा है और इसका सीज़न 4 अभी फाइनल सीज़न चल रहा है और बहुत ही बढ़िया चल रहा है, इसलिए मैं इसको नंबर 4 में रखा हूँ। तो नंबर 3 में आता है किमित्सो नो याइबा या डीमन स्लेयर। ये 2019 में ही आया था और बहुत सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर चुका है। इसमें बहुत सारे अलग तरीके की चीज़ें हैं, जैसे कि नॉर्मल किसी भी एनिमे में अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो तुम बस रिवेंज लेने का सोचते हो, पर इसमें हीरो जो है बस इतना है कि उसके बहन के ऊपर अटैक हो जाता है तो वो उसका बदला ना लेके जो भी विलन होते हैं तो उनको हराता है। और उनको क्योंकि वो पहले तो इंसान ही थे, बाद में विलन ने ही उनको ऐसा खराब बनाया है, इसलिए उन सबको अच्छे से जैसे इंसान मरने पर उनको सब हम ट्रीट करते हैं वैसे ही उन सबको भी वो ट्रीट करता है। और बहुत ही अच्छा आइडियोलॉजी यहाँ पर दिखाया गया है, इसलिए ये एनिमे टॉप नंबर 3 में आता है। और इसका भी सीज़न 2 भी आने वाला ही है और इसका एक मूवी भी आ चुका है। तो नंबर 2 में आता है डेथ नोट। ये सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड एनिमे है, अगर आप एनिमे स्टार्ट करना देखना शुरू करोगे तो डेथ नोट ही सबसे अच्छा रहेगा। इसमें आपको बहुत ही अच्छा स्टोरी देखने को मिलता है, इसमें जो हीरो और विलन दोनों ही बहुत बढ़िया बढ़िया प्लानिंग बना के ही खेलते रहते हैं और पता नहीं चलता कौन क्या कब कर रहा है। अगर आपको ये एनिमे अच्छे से समझना है तो कम से कम 2 या 3 बार तो देखना ही पड़ता है। मुझे ये एनिमे इतना अच्छा लगा कि मैं एक ही दिन में इसको ख़त्म कर दिया था और एक दूसरे दिन वापस इसको देख के वापस ख़त्म किया था, वो जाकर अच्छे से समझ आया। तो मैं आप सभी को बोलूँगा ये एनिमे जो है एक बार ज़रूर देखना। ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने एक और वीडियो बनाया था दूसरे एक चैनल में जो कि अभी डेड कर चुके और वीडियो नहीं बनाता, उसका लिंक मैंने ऊपर दे दिया है, आई बटन से आप देख सकते हैं। तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा अगर आपको इसके डेथ नोट के बारे में और भी कुछ जानना है। तो जो एनिमे नंबर 1 में आता है वो है नारुतो। तो मैं वो जो वीडियो में आपको बोला था डेथ नोट के बारे में, उसमें मैंने नारुतो के बारे में बुरा ही किया था क्योंकि मैंने नारुतो उस वक्त नहीं देखा था। 720 एपिसोड थे, उसमें से 200-300 तो फिलर्स एपिसोड हैं, पर मैंने वो फिलर्स एपिसोड को भी मिला के पूरे के सारे 720 एपिसोड देख लिए हैं। पता है मैं बहुत ही ज़्यादा वेला बैठा रहता था तो मैंने सोचा ये सारे देख ही लूँ,
मैं दिन में करीब करीब 10-20 एपिसोड्स तो आराम से देख ही लेता था। तो मैं कहना चाहता हूँ जितना भी बड़ा हो एनिमे, उसका एनिमेशन, फाइट और वो जो इतना लंबा जो फिलर्स है ना, वो आपको कहीं ना कहीं मदद करता ही है। उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं पर आप कभी भी उन सभी को भूल नहीं पाओगे, क्योंकि वो जो 200-300 एपिसोड फिलर्स हैं उसमें से वो हर एक पुराने एक एक निंजास को भी उनका कैसा स्टोरी था, कैसे हिस्ट्री था, आपको सब कुछ समझा देता है। खास करके उसका जो वॉर आर्क आएगा, फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर, उसका तो पूछो ही मत। उसमें से मेरा सबसे अच्छा लगता है तो विलेन में मुझे पेन और मादरा उचिया, तो उनका मैं एक क्लिप में आपको दिखाना चाहता हूँ। शायद हो सकता है ये बाद में ना मिले कॉपीराइट की वजह से, अगर आप पहले ही ये वीडियो अपलोड होते ही देख रहे हैं तो कॉपीराइट नहीं हुआ होगा और देख सकते हैं, या फिर बाद में भी अगर कॉपीराइट नहीं आया होगा तो देख सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको ऐसे टॉपिक्स भी अगर पसंद है तो ज़रूर बताइए, और अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है तो कमेंट करके बताइएगा आया मैं लाइव, और कुछ ना मिला तो विनोद ही स्पेंड कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।